हे गुरु, आपकी नजरें उस शानदार सेना पर डालिए जिसे आपके स्वयं के शिष्य द्रुपद के पुत्र ने युद्धभूमि में व्यवस्थित किया है। ये पांडव वह सूक्ष्म बल है जो हमारी रीढ़ की हड्डी की केंद्रीय नाड़ियों में विराजमान है और युद्ध की घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। द्रोणाचार्य वह हमारी पुरानी आदतें हैं जो हमारे कर्मों को नियंत्रित करती हैं, अच्छे या बुरे, और द्रुपद का पुत्र वह हमारी अंतरात्मा की जागृति का प्रतीक है। द्रोण और द्रुपद की कथा हमें ये सिखाती है कि कैसे हमारी आदतें और आत्मज्ञान हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमारी पुरानी आदतें हमें रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब हम आत्मसंयम और आध्यात्मिक साधना में दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, हमें द्रुपद का पुत्र मिलता है जो हमें आत्म जागृति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम सभी की जिंदगी का यही संघर्ष है, पुरानी आदतें और नई जागृति के बीच। लेकिन जब हम आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम अपनी आदतों को पार कर पाते हैं और एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं। महाभारत की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम सभी के अंदर एक योद्धा है जो सत्य की खोज में लगा है। तो चलिए अपने आंतरिक योद्धा को जागृत करें और अपनी आत्मा की सच्चाई की खोज में निकलें। नमस्ते।